हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 11 और वो है फार्मेको विजिलेंस। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ फार्मेको विजिलेंस के बारे में एक ओवरव्यू देना है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका एम क्या है और उसका स्कोप क्या है, ये इतनी सी बात है आपको इसके अंदर पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप समझिए कि फार्मेको विजिलेंस होता क्या है। फार्मेको विजिलेंस को समझने के लिए आप समझिए पेशेंट मॉनिटरिंग, और इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पेशेंट मॉनिटरिंग पिछले चैप्टर्स के अंदर। तो पेशेंट मॉनिटरिंग क्या होता है? तो पेशेंट मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको हम लोग कोई ऐसी दवा दे रहे हैं जिसके बारे में हमको लगता है कि इसमें कुछ मतलब एडवर्स इफेक्ट शो हो सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उस पर ध्यान लगा के देखते हैं उसको बहुत क्लोजली। जब उसको क्या है दवा वगैरह दी जा रही होती है, मान लीजिए उसको बॉटल चढ़ रहा है, तो उसमें हम लोग ध्यान से उसको देखते रहते हैं कि कहीं इसके अंदर एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। तो अगर मान लीजिए एडवर्स इफेक्ट शो होता है, तो अगर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं उसको, तो उस एडवर्स इफेक्ट को रोकना, उसको कंट्रोल करना आसान होता है। और अगर मान लीजिए हमने उसको लगा दिया और वो क्या कहते हैं सेलाइन चढ़ रहा है, उसको दवा भी चढ़ रही है उसके साथ में, और हम अपने काम में बिजी हैं और एडवर्स इफेक्ट शो होने लगा, तो फिर क्या करेंगे? आप तो अपने काम में बिजी, आपने देखा नहीं और बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आ गया, तो फिर पता चला कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब समझ में आ रही बात? तो ये जो मॉनिटरिंग है उसी को समझ लीजिए बोलते हैं हम लोग फार्मेको विजिलेंस। थोड़ा बहुत उसमें क्या है, फ़र्क है बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं इसको। फार्मेको विजिलेंस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। तो जो फार्मेको विजिलेंस है दो वर्ड से मिलकर बना है। एक क्या है ग्रीक, तो ये क्या है फार्माकोन, ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, ठीक। इसका मतलब होता है ड्रग या मेडिकल सब्सटेंस, ठीक है। फार्माकोन का मतलब आप जानते हैं ड्रग होता है, मेडिसिन या मेडिकल सब्सटेंस। और जो दूसरा है वो क्या, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है। क्या है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, वो क्या है, विजिलेयर। तो विजिलेयर का मतलब होता है टू कीप वॉच, टू कीप वॉच, यानी दवा को क्या है ध्यान से देखना, यानी किसी पेशेंट को जब दवा एडमिनिस्टर किया जा रहा है उसके बाद उसको ध्यान से देखना कि उसका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर उसको मॉनिटर करना, यही क्या होता है फार्मेको विजिलेंस होता है। अब WHO के अकॉर्डिंग फार्मेको विजिलेंस क्या है, उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन पेश की है, एक डेफिनेशन बताई है। तो उन्होंने क्या बताया, द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिटेक्शन असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। समझ में आया? वही बात है, सिर्फ इसको थोड़ा सा घुमाया इधर उधर से। तो ये कह रहे हैं कि फार्मेको विजिलेंस एक साइंस है, साइंस का मतलब होता है एक नॉलेज, इल्म। समझ में आ रही बात, ज्ञान। तो ये क्या है, एक तरीके का ये ज्ञान है, एक साइंस है, या ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, साइंस की एक ब्रांच है। क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। या फिर क्या है, ये फार्मेको विजिलेंस कुछ एक्टिविटीज़ हैं, क्या है, कुछ ऐसे काम हैं जो कि क्या है, किससे रिलेटेड हैं, डिटेक्शन असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट, यानी एडवर्स इफेक्ट को डिटेक्ट करना, यानी उसको पहचानना समझना। असेसमेंट का मतलब होता है एनालाइज करना, मूल्यांकन करना। समझ में आ रही बात, क्या करना, मूल्यांकन करना, यानी इवेलुएट करना। बात यह कि उसको देखना परखना समझना, और फिर आगे आगे अंडरस्टैंडिंग, तो इसका मतलब भी होता है समझना। एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट, और एडवर्स इफेक्ट को रोकना। तो क्या मतलब निकला, यानी एडवर्स इफेक्ट, यानी जब किसी पेशेंट को दवा दी जा रही है तो उस वक्त में उसको क्या करना, डिटेक्ट करना, यानी एडवर्स इफेक्ट अगर शो हो रहा है उसको पहचानना, उसको एनालाइज करना कि ये कैसा है, किस टाइप का एडवर्स इफेक्ट है, यानी उसका हार्ट रेट बढ़ गया है या हार्ट रेट डाउन हो गया है, या उसका क्या कहते हैं पल्स बढ़ गए हैं, या नर्वस सिस्टम क्या है उसका डिस्टर्ब हो गया, किस टाइप का मतलब एडवर्स इफेक्ट है, उसको डिटेक्ट करना, उसको पहचानना, एनालाइज करना, फिर उसको रोकना, ठीक है। उसका क्या करना, प्रिवेंशन करना, उसको रोकना। तो ये बात हो गई एडवर्स इफेक्ट को रोकना। या फिर क्या है, दवाओं से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में ये सारे काम करना। तो WHO के अकॉर्डिंग उसको क्या बोलते हैं, फार्मेको विजिलेंस। अब इसका एम क्या है, इसका मतलब क्या फ़ायदा है, क्यों ये पढ़ाया जाता है, ठीक है, और ये इस फार्मेको विजिलेंस का मकसद क्या है। तो क्या मकसद है इसको पढ़ाने का, इसको डेवलप करने का, तो टू मेक द ट्रीटमेंट ऑफ ए पेशेंट इफेक्टिव। एक तो क्या है कि जो पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, यानी जो उसका इलाज किया जा रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा असरदार हो,
ठीक। दूसरा क्या है, टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर, के पेशेंट केयर को क्या है इम्प्रूव किया जाए, यानी अच्छे से अच्छा उसको किया जाए, बात वही है। सिर्फ ये एक लाइन जो है ना, यही असल इसका क्या है एम है समझ लीजिए। लेकिन चूंकि हमको कुछ बढ़ाना है, अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि लिखिए इसके एम, तो एक लाइन लिखेंगे तो नंबर नहीं देगा, है असल उसका एम एक ही लाइन, ठीक है ना। लेकिन उसको थोड़ा सा खींचातानी करके दो चार उसमें पॉइंट बढ़ाना पड़ता है, ठीक। तो और क्या है, तो टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर, यानी पेशेंट का जो केयर है, यानी पेशेंट का जो इलाज है उसको अच्छे से अच्छा करना, इम्प्रूव करना, एंड सेफ्टी को उसको क्या करना, इम्प्रूव करना। रिलेटेड विद द यूज ऑफ मेडिसिन एंड ऑल मेडिकल एंड पैरा मेडिकल इंटरवेंशन, क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब ये है कि जो क्या कहते हैं, जो पेशेंट केयर है यानी पेशेंट का जो इलाज है, उसकी देखभाल है और उसकी जो सेफ्टी है उसको इम्प्रूव करना, जो कि किससे रिलेटेड है, जो दवा से रिलेटेड है या फिर क्या कहते हैं मेडिकल या पैरा मेडिकल इंटरवेंशन से रिलेटेड है, उसको इम्प्रूव करना। अब ये पैरा मेडिकल इंटरवेंशन क्या होता है? एक तो क्या हो गया कि जो दवा से रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, उसको क्या करना, ख़त्म करना और उसको इफेक्टिव बनाना, इम्प्रूव करना। दूसरा क्या है, पैरामेडिकल इंटरवेंशन है कोई, तो उसको भी क्या करना, सेफ बनाना। समझ में आ रही बात? ये नहीं कि सिर्फ जो मेडिकल कंडीशन है उसको सेफ करना, बल्कि पैरामेडिकल जो इंटरवेंशंस हैं उसको भी क्या करना, सेफ करना, इसका एक मकसद है, एक एम है। अब पैरामेडिकल इंटरवेंशन क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मतलब क्या कहते हैं, ऐसा आदमी जो फुल्ली क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, एक ऐसा आदमी जो फुल्ली क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, जैसे कि मान लीजिए फार्मासिस्ट है या फिर क्या कहते हैं जो एक्सरे वगैरह करने वाला आदमी है, वो फुल्ली क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होता है। ऐसे ही मान लीजिए जो ब्लड वगैरह चेक करते हैं, तो वो फुल्ली क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होते हैं, बल्कि उन्होंने पैरा मेडिकल कोर्सेज कर रखे हैं अलग अलग, यानी वो फुल्ली डॉक्टर नहीं है। और वो क्या है, डॉक्टर को सपोर्ट करता है, वो क्या करता है अपने कामों से डॉक्टर को सपोर्ट करता है, तो उसके जो काम है उसको भी क्या है, सेफ बनाना और उसको इम्प्रूव करना, फार्मेको विजिलेंस का एक क्या है, मकसद है। समझ में आ गई बात? क्या कहते हैं, पैरामेडिकल इंटरवेंशन का मतलब क्या है, द एक्टिविटीज डन बाई ए नॉन फुल्ली क्वालिफाइड डॉक्टर, यानी कुछ ऐसे काम जो कि एक ऐसा आदमी करे जो पूरी तरीके से क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। और वो क्यों करता है, टू सपोर्ट द मेडिकल ट्रीटमेंट, क्यों करता है, मेडिकल ट्रीटमेंट को सपोर्ट करने के लिए, यानी जो डॉक्टर इलाज दे रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अल्ट्रासाउंड है, तो अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर को सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि उसको आसानी से पता लग जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, वो आसानी से इलाज कर लेता है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल क्या है, सीबीसी, यानी क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट जब निकाला जाता है तो उससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि दिक्कत कहाँ पर, उसके हिसाब से वो दवा देता है, ठीक। दूसरा इसका एम और क्या है, टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, एंड सेफ्टी रिलेटेड टू यूज़ ऑफ मेडिसिन, और मेडिसिन से रिलेटेड जो सेफ्टी है उसको और ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है। एक इसका एम ये हो गया। और क्या है, फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और ड्रग रिएक्शन जो हो रहा है अगर, तो उसको क्या है अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना, पहचानना, ये भी इसका एक एम है। ऐसे क्या, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर, और क्या कहते हैं, जो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो उससे क्या रिस्क मतलब हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना, तो ये भी इसका क्या है एक एम है। क्योंकि जब उसको पहचाना जाएगा तभी तो उसको उसकी रोकथाम की जाएगी। अब दूसरा इसमें एक टॉपिक है, वो है स्कोप ऑफ फार्मेको विजिलेंस, यानी फार्मेको विजिलेंस का स्कोप क्या है, यानी इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे ये काम आता है। तो एक तो क्या है, पेशेंट मॉनिटरिंग, क्या है पेशेंट मॉनिटरिंग में, तो द पर्सन हैज़ नॉलेज ऑफ फार्मेको विजिलेंस कैन प्रोवाइड हिज सर्विसेज इन हॉस्पिटल फॉर मॉनिटरिंग द पेशेंट। तो जिस आदमी को क्या है फार्मेको विजिलेंस का नॉलेज है, तो वो अपनी सर्विसेज दे सकता है हॉस्पिटल के अंदर, क्या काम करेगा, पेशेंट को मॉनिटर करेगा, ठीक। यानी उसको जब दवा से ट्रीटमेंट किया जा रहा हो तो उस वक्त उसको मॉनिटर करेगा। ऐसे क्या इम्यूनाइजेशन में काम कर सकता है, वैक्सीनेशन का पूरा एक प्रोग्राम चलता है, जैसे कि मान लीजिए कोरोना के टाइम में खूब वैक्सीनेशन हो रहा था, वैक्सीन लगते हैं जब, तो वहाँ पे भी क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों, फार्मेको विजिलेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वैक्सीनेशन बिकॉज देयर आर सम सर्टेन वैक्सीन्स विच शो सीरियस एडवर्स रिएक्शन। इसलिए कि बहुत, तो ये जो फार्मेको विजिलेंस है ये क्या वैक्सीनेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इसलिए कि बहुत सारे वैक्सीन्स ऐसे हैं कि जो बहुत सीरियस एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं, यानी जब उसको किसी को एडमिनिस्टर किए जाते हैं वो वैक्सीन, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब
क्या कहते हैं बहुत सीरियस एडवर्स इफेक्ट आते हैं, तो उस एडवर्स इफेक्ट को कंट्रोल करना, उसको डिटेक्ट करना, उसको प्रिवेंट करना, ये वही आदमी तो करेगा जिसको क्या कहते हैं फार्मेको विजिलेंस का नॉलेज है। तो इसलिए उसकी ज़रूरत इम्यूनाइजेशन में भी पड़ती है। ऐसे जो हर्बल मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन या क्या कहते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो उसमें भी तो दवाओं की सेफ्टी और उसकी एफिकेसी रिक्वायर्ड होती है। यानी दवा क्या सेफ़ हो, यानी दवा ऐसी ना हो कि पता चल रहा है उसमें पहले से बैक्टीरिया वगैरह हैं, उसको खा रहा आदमी बीमार पड़ जा रहा है, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे कोई सी भी दवा हो, चाहे वो क्या कहते हैं हर्बल मेडिसिन हो, यूनानी हो, तिब्बी हो, कोई सी भी हो, तो उसकी सेफ्टी और उसकी एफिकेसी यानी वो अच्छे से काम करे, उसकी पोटेंसी हो, तो ये क्या होता है ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए फार्मेको विजिलेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा बंदा इसमें भी क्या है काम कर सकता है जिसको फार्मेको विजिलेंस आता है। और क्या इसका स्कोप क्या हो सकता है, तो डिसीज़ कंट्रोल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, यानी क्या कहते हैं अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी शहर में हो गया, किसी दूसरे शहर में हो गया, तो वहाँ पर पब्लिक जमा होती है, तो उनको समझाना रहता है। तो उस वाले तो इस फील्ड में भी क्या है एक आदमी काम कर सकता है जिसको फार्मेको विजिलेंस आता है। द पर्सन हैज़ नॉलेज ऑफ फार्मेको विजिलेंस कैन टेक ए पार्ट इन डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम टू अवेयर द पब्लिक अबाउट सेफ्टी एंड प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन। तो वो आदमी जिसको क्या है इसका नॉलेज है फार्मेको विजिलेंस का, तो वो इस प्रोग्राम में भी क्या है हिस्सा ले सकता है, उसका एक पार्ट बन सकता है। उसमें क्या करेगा पब्लिक को अवेयर करेगा दवाओं की सेफ्टी और उसके प्रॉपर यूज के बारे में, ठीक है, ताकि क्या है एडवर्स इफेक्ट को रोका जा सके या एडवर्स रिएक्शन को रोका जा सके। और कहाँ पे काम कर सकता है, तो एकेडमिक लाइन में भी जा सकता है, एकेडमी में काम कर सकता है, यानी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, अगर इसको अच्छे से नॉलेज है तो वहाँ पढ़ा सकता है जाके बच्चों को, ठीक है। तो जिसको ये नॉलेज रहेगा वही जाएगा एकेडमिक लाइन में। अब एक ये समझिए आपका जो सिलेबस में पूछा था उतना कम्प्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हल्के फुल्के से जान लीजिए कि इंडिया में ये कब शुरू हुआ फार्मेको विजिलेंस, ठीक है। तो इन इंडिया फार्मेको विजिलेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1986। तो 1986 में इसको क्या सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर, कि कब 1986 के अंदर। और इसको किस नाम से मतलब जाना गया इंडिया के अंदर, तो विद द फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फॉर्मल इंट्रोडक्शन मतलब ये कि जो क्या कहते हैं ऑफिशियली जो उसको नाम दिया गया, एक तो मतलब लोकल टाइप की चीज़ें होती हैं, एक ऑफिशियली जो उसका नाम दिया गया तो वो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। इस नाम से इसको जाना गया, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, इस नाम से इसको क्या ऑफिशियली जाना गया। और ये किसके अंडर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर, तो जो ड्रग कंट्रोलर है उसके अंडर में, यानी उस टाइम का जो ड्रग कंट्रोलर था तो उसके अंडर में इसको क्या है इंट्रोड्यूस कराया गया इंडिया के अंदर, ठीक है। उस टाइम पे क्या है इसके 12 सेंटर बनाए गए बड़े, मतलब क्या कहते हैं मेन, उस टाइम पे इसके क्या है इंडिया के अंदर 12 मेन सेंटर बनाए गए, ठीक है। और जो उसके पास में छोटे छोटे हॉस्पिटल्स थे उस एरिया के अंदर, उस एरिया के अंदर छोटे हॉस्पिटल थे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, तो उनको उससे क्या किया गया एफिलिएटेड किया गया, यानी उससे जोड़ दिया गया कि आपको इस टाइप से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लेना है, कुछ सीखना है, ट्रेनिंग लेनी है, कोई बात दिक्कत है तो आप हमसे आके कांटेक्ट करिए, हम आपकी क्या करेंगे हेल्प करेंगे, आपको सिखाएंगे। तो 12 मेन सेंटर बनाए गए पूरे इंडिया के अंदर, ठीक। उसके बाद इसको क्या फिर क्या हुआ, इन 1997 इंडिया बिकम ए पार्ट ऑफ WHO, इसको बड़ा कर लीजिए, क्या इसको बड़ा कर लीजिए WHO, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग। तो क्या कहते हैं 1997 के अंदर WHO ने एक मतलब प्रोग्राम किया था, तो उसमें अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आए थे, तो इंडिया भी क्या हुआ उसका एक जाके सदस्य बना, उसमें हिस्सा लिया, यानी ये कहा कि अब मैं भी क्या है इसको अपने देश के अंदर लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये भी उसका जाके हिस्सा बना उस प्रोग्राम का, और फिर वहाँ पर कुछ एग्रीमेंट वगैरह किए कि मैं भी इसका क्या एक हिस्सा बनूंगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑन 1 जनवरी 2005 WHO स्पॉन्सर्ड एंड वर्ल्ड बैंक फंडेड एंड नेशनल फार्मेको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड, ठीक है। तो 1 जनवरी 2005 को WHO ने क्या किया स्पॉन्सर किया। स्पॉन्सर करने का मतलब समझिए होता है कि किसी काम को प्रायोजित करना। तो ये समझिए कि WHO ने वर्ल्ड बैंक को कहा कि क्या करना आपको इंडिया को क्या करिए मदद करिए। क्या कहा WHO ने वर्ल्ड बैंक से कहा कि इंडिया को मदद करिए कि वो पूरे इंडिया के अंदर फार्मेको विजिलेंस प्रोग्राम को क्या है वो जारी करना चाहते हैं, पूरी इंडिया के अंदर इसको फैलाना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं जो वर्ल्ड बैंक है उसने फंड किया, यानी पैसे दिए, बहुत सारे पैसे दिए। तो क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक ने फंड किया, पैसे दिए, उसके बाद फिर पूरे इंडिया के अंदर नेशनल फार्मेको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड, ठीक है। तो पूरे इंडिया के अंदर फिर इसका क्या है प्रोग्राम चलाया गया और बहुत सारे लोगों को क्या है इसके बारे में नॉलेज दिया गया, सिखाया गया। तो ये था फार्मेको विजिलेंस का एक ओवरव्यू।
एक छोटा सा चैप्टर था कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।